मूवी शुरू होती है एक जंगल के सीन से, जहां हम एक बोम्बा नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने सारे जंगल में जगह जगह कैमरास लगाए हुए हैं। तभी उसे अपने मोशन सेंसर कैमरा से एक सिग्नल मिलता है। वो जाके देखता है कि आसमान में कुछ कौवे एक छोटे से बर्ड के पीछे पड़े हुए हैं। जल्दी ही वो बर्ड घायल होकर नीचे गिर जाती है और बोम्बा उसे पकड़ लेता है। वो देखता है उस बर्ड के पीछे बैठने की सीट भी लगी हुई है। यहां से सीन शिफ्ट होकर ऊपर आता है, जहां हम उन कौवों पर कुछ बग्स को बैठा हुआ देखते हैं। वो एक बहुत ही छोटे साइज लड़के नोट को मारने की कोशिश कर रहे हैं। नोट उनसे अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तभी वहाँ उसे बचाने के लिए उसके ही जैसे कई और छोटे इंसान भी आ जाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफ मैन नाम की प्रजाति हैं, जो सालों से उस जंगल में छुप कर रह रही हैं, और बोम्बा भी शायद काफी टाइम से इन्हें ही ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहा है। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो असल में बोम्बा की बेटी एमके है। पता चलता है कि अपनी माँ के गुजरने के काफी टाइम बाद वो अपने पिता से मिलने आई है। बोम्बा के साथ उनका एक छोटा डोगी ओजी भी रहता है, जिसकी एक आंख और एक टांग नहीं है। एमके अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि तभी फिर से उसके लगाए हुए कैमरा एक्टिवेट हो जाते हैं और बोम्बा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ड पे कोई बैठा हुआ है। एमके उदास हो जाती है कि अभी भी उसके पिता के पास उसके लिए टाइम नहीं है। आगे हम उन लीफ मैन को अपने इलाके में आता हुआ देखते हैं, जिसे वो मून हेवन बुलाते हैं। पता चलता है कि उनके लीडर का नाम रोनिन है और ये वही है जिसने नोट को बचाया था। वो अपनी क्वीन तारा के पास जाता है, जो एक मैजिकल लेडी है, और उसकी ही पावर से ये जंगल हरा भरा रहता है। यहाँ पता चलता है कि तारा आज अपना एक वारिस चुनने वाली है और एक कली को चुनकर उसमें अपनी सारी शक्ति समा देगी। वो बताती है कि ये दिन 100 सालों में एक ही बार आता है और उन्हें हर हाल में आज ये सेरेमनी पूरी करनी होगी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की फीलिंग्स भी हैं। इधर हम जंगल की दूसरी तरफ का इलाका देखते हैं, जो सड़न और बदबू से भरा हुआ है। पता चलता है कि यहाँ लीफ मैन के दुश्मन बोगन्स रहते हैं। इनके लीडर मैंड्रेक और उसके बेटे दागदा का सपना है कि वो लीफ मैन के इलाके को भी अपने में मिला ले और उसे भी बर्बाद कर सके। मैंड्रेक प्लान करता है कि वो क्वीन तारा को मारकर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा, ताकि वो पूरे जंगल को बर्बाद कर दे। आगे नॉट मून हेवन आता है और हमें पता लगता है कि रोनिन ने उसके पिता से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन नॉट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो सोल्जर की नौकरी छोड़कर मून हेवन से चला जाता है। इधर लीफ मैन तारा को लीफ पोर्ट की तरफ ले चलते हैं, जहां वो एक कली को चुनकर उसमें अपनी मैजिकल पावर्स ट्रांसफर करेगी। इधर एमके बोम्बा से कैमरों के बारे में पूछती है और वो उसे उन छोटे लोगों के बारे में बताता है। एमके को लगता है कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए बोम्बा अपने आईपॉड पर कुछ आवाजें सुनाता है। एमके सोच में पड़ जाती है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि कुछ बैट्स की आवाजें हैं। बोम्बा उसे बताता है कि कैसे ये छोटे लोग मक्खियों के जैसे बहुत तेज उड़ते हैं और इसीलिए इन्हें देख या सुन पाना इतना आसान नहीं है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बोम्बा को एक और अलर्ट आता है और वो एमके की बात सुने बिना फिर से बाहर चला जाता है। एमके उदास हो जाती है और अपने पिता से नाराज होकर वहां से जाने लगती है। बोम्बा के लिए एक मैसेज छोड़कर वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, उनका डॉगी ओजी जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे वापस लाने के लिए एमके भी उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है। दूसरी तरफ क्वीन तारा लीफ पोर्ट पर पहुंच जाती है। यहाँ हम दो स्नेल्स मब और ग्रब को देखते हैं, जो असल में लीफ पोर्ट के केयर टेकर्स हैं। वो दोनों क्वीन तारा को एक परफेक्ट कली को चुनने में हेल्प करते हैं। इससे पहले कि वो अपनी पावर्स उसमें डाल पाए, रोनिन एक पत्ती को सड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि बोगन्स यहाँ आ चुके हैं। वो एक पेड़ पर तीर चलाता है और उसमें छुपा हुआ बोगन मारा जाता है। देखते ही देखते वहाँ हजारों बोगन्स हमला कर देते हैं और क्वीन कली के साथ किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भाग जाती है। थोड़ा आगे आने पर एक बोगन उसका रास्ता रोक लेता है और तभी एक छोटी बच्ची आकर क्वीन की जान बचाती है। तारा उसे सेव करके बोगन को अपने लोगों से दूर ले जाती है और तभी रोनिन उसे बचाने आ पहुंचता है। मैंड्रेक और उसका बेटा दागदा उनके पीछे लग जाते हैं और रोनिन एक तीर से दागदा को मार डालता है, लेकिन मैंड्रेक का एक तीर क्वीन को घायल कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इधर ओजी को ढूंढते हुए एमके को एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती दिखती है और वो उसके पास जाती है। क्वीन उस गली में अपनी पावर्स ट्रांसफर करके एमके के हाथों में दे देती है और देखते ही देखते उसका साइज भी छोटा हो जाता है। वो भागकर क्वीन के पास आती है, जो उसे बताती है कि ये कली इस जंगल की जान है और उसे इसे लेकर एक जादूगर नीम के पास जाना होगा। तभी रोनिन और बाकी लीफमैन वहाँ आते हैं और क्वीन उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है। यहाँ एमके को एक बड़े साइज की मधुमक्खी दिखती है। वो समझ जाती है कि जो उसके पिता बताते थे वो सब सच था। तभी वहाँ मब और ग्रब आते हैं और बताते हैं कि नीम ही अब उन्हें बता सकता है कि इस कली के साथ क्या किया जाए और वही है जो एमके को फिर से बड़ा बना सकते हैं। रोनिन एमके से हेल्प मांगता है और वो चारों एक बर्ड पर निम को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर हम नोट को देखते हैं, जो अपने ही जैसे लोगों के साथ एक बर्ड रेस में हिस्सा ले रहा है। जल्दी ही वो रेस जीत जाता है, लेकिन एक बूफो नाम का गैंगस्टर मेंढक उसे पकड़ लेता है। पता चलता है कि नोट ने उससे ये रेस हारने के लिए पैसे लिए थे और इसीलिए वो अब उसे सांप को खिलाना चाहता है। तभी वहाँ रोनिन आता है और उससे डर कर बूफो नोट को छोड़ देता है। रोनिन नोट को क्वीन के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें वो कली नीम तक
ले जानी होगी। यही नोट पहली बार एमके को देखता है और वो लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन गुफो छुप कर उनकी सारी बातें सुन लेता है। उधर घर वापस आकर बोम्बा को एमके का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि वो यहाँ से चली गई है। इधर वो सब लोग जादूगर नीम तक जाते हुए बोगन्स के इलाके के पास आते हैं और रोनिन रास्ता बदलने को कहता है, लेकिन नोट उसकी बात नहीं मानता। वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ ढेर सारे बोगन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में नोट और एमके एक होल में गिर जाते हैं जहाँ एक चूहा एमके पर हमला करता है। एमके नोटिस करती है कि वो भी ऊंची छलांग लगा सकती है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। नोट उसे बचाने आता है लेकिन चूहे का सामना नहीं कर पाता। तभी रोनिन वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। क्वीन के मरने के बाद मैंड्रिक फिर से जंगल को तबाह करने लगता है और उस कली को ढूंढने में लग जाता है। वो गुफो को बुलवाता है और उसे डराकर उसे रोनिन का प्लान पता करता है। रोनिन सबको लेकर जादूगर नीम तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। यहाँ पता चलता है कि जंगल में हो रही तबाही को रोकने के लिए वो सब यहाँ आए हैं। जल्द ही वो नीम से मिलते हैं जिसे अभी अभी क्वीन की मौत के बारे में पता चला है। वो असल में एक रिकॉर्ड कीपर है जो जंगल में घटी हर घटना का रिकॉर्ड रखता है। वो उन्हें बताता है कि इस कली को फुल मून में खिलना होगा, तभी ये जंगल बच पाएगा। एमके उससे अपने बारे में पूछती है और वो उसे उसकी पुरानी मेमोरी दिखाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जैसे ही वो कली खिलेगी उसे भी उसका पुराना रूप वापस मिल जाएगा। रोनिन नोट को कली का ध्यान रखने को कहकर नीम के साथ अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने जाता है, लेकिन नोट एक बार फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और एमके को हिरन की सवारी कराने ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर मैंड्रिक जिसे कली की लोकेशन पता चल गई थी नीम के वहाँ आता है। मब और ग्रब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कली के साथ उन दोनों को भी ले जाता है और रोनिन कोशिश करने पर भी उसे नहीं रोक पाता। मैंड्रिक मब और ग्रब को बताता है कि उसका प्लान कली को अंधेरे में खिलाने का है जो उसका असर पलट कर सारे जंगल को बर्बाद कर देगी। रोनिन को नोट पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया। वो अकेला ही बोगन्स के इलाके में जाना चाहता है लेकिन एमके सबको एक साथ चलने को कहती है। तभी नीम बताता है कि जल्दी ही फुल मून होने वाला है और अगर टाइम निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एमके सबको लेकर अपने पिता के घर चलने को कहती है ताकि वो वहाँ से कुछ मदद ले सके। बोम्बा के घर उन्हें लीफ मैन और बोगन्स की कुछ चीजें मिलती हैं जो लड़ाई में उनकी मदद करेंगी। यहाँ एमके को पता चलता है कि रोनी और उसके लोग जानबूझकर अपनी कुछ निशानियाँ गलत जगह छोड़ते थे ताकि बोम्बा उनके ठिकाने से दूर रहे। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और तब एमके बताती है कि वो उसके पिता हैं। ये सुनकर नोट हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि एमके उनमें से ही एक है, लेकिन रोनिन उसे सारी कहानी बताता है। तभी वहाँ ओजी आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। वो लोग उससे बचकर भागते हैं और शोर सुनकर जैसे ही बोम्बा पलटता है उसे ये तीनों दिख जाते हैं। रोनिन किसी तरह एक पर्दे की रस्सी से उन सबको बचाने की कोशिश करता है लेकिन बोम्बा एक वैक्यूम क्लीनर से एमके को पकड़ लेता है। कुछ जैसे ही उसे पास से देखता है उसमें उसे एमके दिखाई देती है और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है। एमके बाहर आती है और नोट जल्दी से उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से पहले जंगल की मैप पर मून हेवन की सही लोकेशन मार्क कर देती है। आगे वो लोग बोगन्स के जैसे कवच पहनकर उनके इलाके में आते हैं। रोनिन एक प्लान बनाता है और बोगन्स को अपने पीछे लगाकर उन दोनों को कली और स्नेल्स को बचाने को कहता है। वो दोनों स्नेल्स को ढूंढ लेते हैं और छुपकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। रोनिन का सामना मैंड्रिक से होता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मैंड्रिक नोड और एमके को देख लेता है और अपने साथियों को उन्हें पकड़ने को कहता है। रोनिन अकेला ही उन सब से भिड़ जाता है और नोट और एमके को कली लेकर वहाँ से जाने को कहता है। ना चाहते हुए भी नोट को उसकी बात माननी पड़ती है और वो दोनों वापस मून हेवन आ जाते हैं। नीम कली को उस जगह रखता है जहाँ मून लाइट पड़ने से वो खिलने लगेगी। कली खिलना शुरू ही होती है कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ अंधेरा छाने लगा है। पता चलता है कि मैंड्रिक अपने बैट्स की मदद से मून की लाइट को रोक रहा है। नोट और बाकी लीफ मैन बैट्स को हटाने उनके पीछे जाते हैं और इधर एमके को एक आइडिया आता है। वो तुरंत वहाँ से निकलकर अपने पिता के कैमरों के पास जाती है ताकि उनसे मदद मांग सके। इधर बोम्बा को लगने लगता है कि शायद वो गलत था और कोई छोटे इंसान यहाँ नहीं रहते। वो अपने सभी कैमरास को बंद कर देता है लेकिन तभी उसकी नजर मैप पे लगे पिन पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि उसने सच में एमके को ही देखा था। वो भागकर उस लोकेशन की तरफ जाता है जहाँ रास्ते में उसे एमके मिलती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है। इधर मैंड्रिक मून हेवन पहुंच जाता है जहाँ वो कली अंधेरे में खिल रही है। इससे पहले कि वो उसे छू पाए वहाँ रोनिन आ जाता है और उनमें एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। एमके भी बोम्बा के साथ वहाँ पहुँचती है और जल्दी से उसकी जेब से उसका आईपॉड निकालती है। वो उसमें रिकॉर्ड बैट्स की आवाज चलाती है जिससे सारे बैट्स आकर्षित होकर उनकी तरफ आने लगते हैं। बैट्स के हटते ही मून की रोशनी कली पर पड़ती है और तभी नोड और रोनिन मिलकर मैंड्रिक को बाहर धकेलते हैं। वो उड़ता हुआ एक पेड़ से टकराता है जो कली के इफेक्ट से ठीक हो रहा था और हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। कली के खिलते ही जंगल एक बार फिर हरा भरा होने लगता है और हम देखते हैं कि क्वीन तारा ने उसी लड़की को अपना वारिस चुन लिया है जिसने उसकी जान बचाई थी। नई क्वीन अपनी पावर से एमके को वापस भेजने लगती है और एमके नोट से अलविदा लेती है। वो दोबारा अपने साइज में वापस
वापस आ जाती है और अपने पिता से मिलती है। बोम्बा भी अपनी गलती समझ चुका था और वो एमके को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने का वादा करता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि नोट कैमरास के थ्रू एमके से बात करता है और वो अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चल पड़ती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।